तो सबसे पहले हमें मुद्रा लोन की जो आवश्यकता होती है, तो हम या तो ई मित्र के पास जाते हैं फॉर्म भराने के लिए, या किसी ऐसे कंप्यूटर वाले के पास जाते हैं जो हमारा फॉर्म भर सके। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ कि आपको किसी भी ई मित्र का नहीं जाना, किसी कंप्यूटर वाले के पास नहीं जाना। यदि आपके पास एक सिस्टम है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, तो आप खुद भी एक लोन एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, लोन के लिए एप्लीकेशन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए मुद्रा लोन जैसे आपको लेना है, तो मुद्रा लोन के लिए आपको गूगल पर, गूगल क्रोम पर www.mudra.org लिखना है और इसके बाद में इसको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद में सामने इस तरह की हमारी विंडो खुलती है। विंडो में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि सामने मुद्रा विजन होता है, इस पर भी क्लिक नहीं करना है, मुद्रा मिशन पर भी क्लिक नहीं करना है। और अब चलते हैं वर्ष 2021 और 22 का फाइनेंशियल ईयर में सरकार के द्वारा कितने लोन सेंक्शन किए। 2021 और 22 में इतने लोन सेंक्शन किए और इन लोनों का जो अमाउंट सेंक्शन है वो इतना लोन अमाउंट सेंक्शन है, और लोन सेंक्शन के बाद में इतने लोन का डिस्पर्स यानी कि भुगतान कर दिया गया। ये हुई मुद्रा लोन के अंतर्गत दिए जाने वाले लोन सेंक्शन भुगतान की बात। अब चलते हैं कि हमें अपने लोन के लिए कहां पर क्लिक करना है। हमें सबसे पहले उद्यम मित्र पर क्लिक करना है। उसकी स्पीड किस तरह की, अब ये पेज हमारे सामने है, मैं इसको और नीचे लेता हूँ। हमें कहीं पर भी क्लिक नहीं करना, सिर्फ जो मुद्रा लोन लिखा है इस पे भी क्लिक नहीं करना है। इसमें अगर आपको किसी की मदद की जरूरत है, किसी मदद लेने की जरूरत, तो इस पर हम क्लिक करते हैं, नहीं तो हम सिर्फ इस पे स्टैंड अप इंडिया लोन, बैंक लोन बिटवीन 10 लाख और 1 करोड़ पर ही क्लिक करेंगे। तो सब मैं इस पे क्लिक किया, जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ एक पेज खुलता है। पेज में सबसे पहले यहाँ पर अपना न्यू एप्लीकेशन है, नए इंटरप्रेन्योर नए उद्यमी है, तो आपको अपना मोबाइल नंबर, एप्लीकेंट का नाम और ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर भरना है। उसके बाद में जनरेट ओटीपी क्लिक करना है। मान लीजिए आप पहले से ही रजिस्टर्ड है तो आपको लॉगिन पर क्लिक कर, मेरा मोबाइल रजिस्ट्रेशन पहले से हो रखा है तो मैं इसे अब इसे 94 8 84 जो कि मेरा मोबाइल नंबर है मैं इसमें भर देता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरा मोबाइल नंबर भरा था उस पर एक OTP आया है, OTP को मैं यहाँ पर फिल अप कर देता हूँ। 5338 9 0 और इस OTP को वेरीफाई किया। फिर सामने एक नई विंडो खुली, नई विंडो में आपको कहीं कुछ नहीं करना है, सिर्फ लोन एप्लीकेशन सेंटर पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो एक मुद्रा लोन की जो श्रेणियां हैं, मुद्रा लोन कितने बांटा गया वो सामने खुल जाती है। मुद्रा लोन की श्रेणी शिशु लोन अप टू 50,000 तक, और मुद्रा किशोर लोन 50,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक, मुद्रा तरुण लोन 5 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक, इसी तरह से स्टैंड अप इंडिया लोन 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ तक,
और अदर MSME लोन अब 10 लाख से अप टू 10 करोड़ तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैंने मेरा हम किशोर लोन पर अप्लाई करते हैं। किशोर लोन पर जैसे अप्लाई करते हैं सामने बैंडों पर जितने अमाउंट की जरूरत है लोन के लिए वो भरते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 4 लाख रुपए का भरा है, आप भर सकते हैं। मैंने यहाँ पर किशोर मुद्रा लोन को चुना है। किशोर मुद्रा लोन की राशि मैंने 4 लाख रुपए भरी है। इसमें 4 लाख के बाद में क्या प्रॉपर्टी फॉर्मेलिटी है वो देखने को है। सबसे पहले फॉर्मेलिटी में अपने इंटरप्राइजेज का नाम लिखना है, जो आप उद्योग चलाना चाहते हैं, जिस उद्योग को आप लोन लेते हैं उसका नाम प्रॉपर्टीज में देखेंगे, अपनी खुद की है किस तरह की प्रॉपर्टीज है उसमें भर देंगे। जैसे मैंने प्रॉपर्टी हुई है भर दिया। आप कहाँ किस राज्य के रहने वाली है, वो आपका जो बिजनेस है किस राज्य में है। जैसे मैं राजस्थान में, मेरा बिजनेस है, मैंने राजस्थान भर दिया। राजस्थान में किस जिले में है, मैं तो कोटा में हूँ, तो कोटा का मैंने भर दिया। और विलेज में मैंने एक कोटा भर दिया। आप अपने विलेज का कोई नाम भरेंगे इसमें, और यहाँ एड्रेस की लाइन जैसे गाँव भी ऊपर से भर दिया, तो यहाँ बिजनेस एड्रेस की दूसरी लाइन भर देंगे। अब मैं इसको नीचे लाता हूँ। बिजनेस का पिन कोड, जहाँ जिस एरिया में आपका बिजनेस है उसका पिन कोड नंबर आपको भरना है। और बिजनेस जिस जगह चल रहा है वो किराए की ज़मीन है या खुद की अपनी है या लीज पर ली हुई है। तो जैसे मैंने यहाँ पर खुद की ज़मीन में ही बिजनेस चल रहा या चलाना चाहता हूँ, तो मैं ऑन खुद का भर दिया इसमें। और अपना एक कोई ईमेल एड्रेस भरना ज़रूरी होता है, साथ में मोबाइल नंबर और पैन कार्ड नंबर भी भरना ज़रूरी होता है। तो बेसिक टेलीफोन नंबर हो आपका तो वो भर सकते हैं इसमें। अब यहाँ इसको और नीचे लाते हैं। अगर आपका ये बिजनेस जो जिसके लिए लोन ले रहे हैं वो अगर नया है, ये नया है तो ये नो करें, और नया है तो यस करें, और पुराना है तो नो करें। ऐसे ही फर्स्ट टाइम ये उद्योग धंधा आप पहली बार चलाना चाह रहे हैं तो यस करें, और नहीं तो नो करें। यदि आपकी इंडस्ट्री किसी प्रकार की और इंडस्ट्रीज है तो उसके लिए ये क्लिक करेंगे और सेलेक्टेड करेंगे किस प्रकार की आपकी इंडस्ट्री है। अब आप जो लोन ले रहे हैं जिस इंडस्ट्रीज के लिए उसमें किस तरह का आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं या सर्विसिंग ट्रेड करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर अप्लाइज करना चाहते हैं, इस तरह की सर्विस आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे मैंने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग से लिया। मैन्युफैक्चरिंग में किस ग्रुप में कौन सी आइटम आपको मैन्युफैक्चर करने हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद में ये किस तरह का मैन्युफैक्चरिंग रहेगा वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ बहुत सारे दिए हैं, तो मैंने यहाँ पर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिशियंस को एनर्जी को सेलेक्ट कर रखा है। साथ में जो भी प्रोडक्ट यहाँ भरेंगे वहाँ यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने ट्यूबलाइट बल्ब लिखा, उसके बाद में यहाँ प्लस पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ ये ऐड हो गया। इसी प्रकार के आप भी इसमें ऐड करते जाएंगे। और अब यदि आपके कहीं और बिजनेस की दूसरी यूनिट भी रजिस्ट्रेशन है तो उसका भी आप रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर किस एक्ट के तहत आपने लिया है वो यहाँ पर लिख देंगे। और जो उद्योग यूनिट है वो किस स्टेट में चल रही है पहले से वो आप इस यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद वहाँ स्टेट का किस डिस्ट्रिक्ट में चल रही है वो सेलेक्ट कर लेंगे। जिस और
उस ऑफिस जहाँ पर आपका ये बिजनेस चल रहा है उस ऑफिस का एड्रेस लिख देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ अपने इसका बैकग्राउंड जो होता है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है देना। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में प्रोपराइट और डायरेक्टर दोनों के एड्रेस देने पड़ते हैं। ये प्रोपराइट हो या डायरेक्टर, तो लास्ट नेम जैसे मेरा नाम लास्ट नेम प्रेम सिंह का सिंह है, तो मैंने सिंह भर दिया। फर्स्ट नेम है मेरा प्रेम यहाँ पर, और यहाँ फादर्स नेम मैंने जो रतन भर दिया आपके फादर्स नेम का आप भर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ मेरी 31/1/1970 है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भरेंगे। मेल जेंडर में आपको जो जेंडर है वो भर देंगे, जिसमें मेल हूँ मैंने मेल पर क्लिक कर दिया। और इसमें एड्रेस जो है बिजनेस का मैं कहाँ करना चाहता हूँ, उस बिजनेस का एड्रेस मैं राजस्थान में जैसे कोटा में डड़वाड़ा कॉलोनी जो है मेरी, तो डड़वाड़ा कॉलोनी में डड़वाड़ा नाम पढ़ दिया। डड़वाड़ा कहाँ है वो उस स्टेट का नाम मैंने पढ़ दिया, जैसे डड़वाड़ा कोटा में, कोटा कहाँ राजस्थान में, मैंने यहाँ राजस्थान भर दिया। और किस जिला में है डड़वाड़ा, डड़वाड़ा जिले जो है वो कोटा जिले में है। और सिटी भी मेरी जैसे कोटा है, तो आपको जहाँ आपकी सिटी है वो भर देना है। साथ में उस बिजनेस का आपको पिन कोड, पोस्टल पिन कोड नंबर भरना है, जैसे डड़वाड़ा कोटा जंक्शन का पिन कोड नंबर मैंने 32/40/02 भरा है, वो आपको अपने भरना है। ये तो सिर्फ मैंने भरा। और इसके बाद में उसका मोबाइल नंबर, संपर्क नंबर भी भरना ज़रूरी है। रेंज और जो बिजनेस है उसे किस तरह के प्राइमेस में चलेगा, अपने खुद के में चलेगा या किराए के में चलेगा या रेंटेड में चलेगा या लीज पे लिविंग पे चलेगा, तो मैंने यहाँ ऑन खुद के में चलना है, तो मैंने ऑन भर दिया। उसके बाद क्वालिफिकेशन मांगेगा कि जो बिजनेस चला रहे हैं प्रोपराइटर हैं या डायरेक्टर हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो मैं यहाँ जैसे मैं ग्रेजुएट हूँ तो मैं ग्रेजुएट भर दिया। आप कोई भी क्वालिफिकेशन जो आप रखते हैं वो क्वालिफिकेशन इसमें भर दें। एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करना भरना है, और नहीं है तो इसको खाली रहना, कोई मैंडेटरी नहीं है इसके। साथ में आपका ये जो प्रोपराइटर जो भी बन रहे हैं और जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन लोन लिया जा रहा वो उसका यहाँ आधार कार्ड नंबर भरना ज़रूरी है। आधार कार्ड आईडी, इसमें वोटर आईडी भी भर सकते हैं, और ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड। मैं नीचे और लेता हूँ इसको सेलेक्ट, और किसी तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स में सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिशियल डायरेक्टर जो लेंडर है यदि आप शामिल करना चाहते हो दूसरे, तो आप यस करें, नहीं तो नो पे क्लिक करें। नीचे भरते हैं कि अब ये पूछते हैं अपने सोशल कैटेगरीज ऑफ द चीफ प्रमोटर्स ओनली, तो यहाँ आप जो अप्लाई कर रहे हैं लोन के लिए और वो किस वर्ग से हैं, तो मैं एससी से हूँ तो मैंने एससी वर्ग दिया। आप जिस ही वर्ग से हों उस वर्ग को सेलेक्ट करें, क्लिक करें। आप यदि माइनॉरिटी में तो माइनॉरिटी पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सब कैटेगरी दिखती है, ईसाई की, ईसाई मिशनरी, मुस्लिम, हिंदू, ये इस तरह के आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। बौद्धिस्ट, क्रिस्ट, जैन या मुस्लिम आदि अगर अपनी है तो इस पर इसको हटा दें। इसके बाद में किस तरह का ये रहेगा आपको इसमें भरने की आपको आवश्यकता नहीं है। और बैंकिंग क्रेडिट फैसिलिटीज एग्जीक्यूटिंग में आप को सेविंग में उपलब्ध है तो नहीं है तो एनए कर दें, एप्लीकेशन नहीं। उसके बाद में आप क्रेडिट फैसिलिटी प्रपोज यदि कोई सुविधा लेना चाहते हैं तो आप सुविधा बैंक से भर देंगे। वर्किंग कैपिटल जो है 4 लाख, और प्रपोज फोर बीच रिक्वायरमेंट अमाउंट हमें जो और
जरूरत है वो 4 लाख रुपए की, और इसकी अप्रोक्सीमेटली जो मेंशन्ड सिक्योरिटी वो 4 लाख। इसके बाद में इस बिजनेस में आपने कितने एम्प्लॉय लगेंगे, कितने कर्मचारी रखेंगे, वो यहाँ पर हम भर देंगे। तो मैंने जैसे 4 लगाए तो आपने 4 यहाँ पर भर दिए। फ्यूचर एस्टिमेट में आपको इस तरह से भरना है कि नेट सेल जैसे करंट ईयर्स की 2 लाख रुपए, और फर्स्ट ईयर प्रोजेक्शन यानी कि करंट ईयर चल रहा है, और जो पहले साल का आपने प्रोजेक्शन रखा वो भी 2 लाख रुपए। अब इसमें नेक्स्ट लाइन में नेट प्रॉफिट अपने बताते हैं कि करंट ईयर्स में जो एस्टिमेट वैल्यू थे 2 लाख थे, तो यहाँ पर करंट बेनिफिट हो गया 3 लाख मैंने बढ़ा, तो यहाँ पर 3 लाख, और फर्स्ट ईयर्स में भी इसमें 3 लाख मैंने बढ़ दिया, यहाँ 3 लाख जैसे अपने इसमें यहाँ पर बढ़ दिया गया। इसके बाद में बैंकिंग वर्किंग कैपिटल बेस ऑफ कैश क्रेडिट लिमिट अप्लाई, तो यहाँ देखते हैं कि हम एक्चुअली सेल्स ईयर एंड अमाउंट 1 साल में कितना सेल करेंगे, और बैंकिंग साइकिल में जो बैंकिंग साइकिल यानी किस्त है वो कितने किस्तों में चुकाने की इन्वेंट्री है, तो धीरे इस तरह से ये टोटल 2000 यहाँ पर भरेगा। मैंने यहाँ आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। इस प्रकार से ये 40,000 को 20,000, 10,000, 10,000 और 40 लिमिट कितनी होगी इसके अपनी 40,000। इस तरह से आगे इन केस ऑफ द टर्म और रिक्वायरमेंट द डिटेल ऑफ मेनी मशीनरी इक्विपमेंट मे बी गिवन एज अंडर। यदि किसी प्रकार की मशीनरी रिक्वायरमेंट होती है तो हम इसको फिलअप कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको नहीं भरा। इसके बाद में ये रजिस्ट्रेशन द शॉप और एस्टिमेटेड उपलब्ध है तो यस करें, नहीं तो एन ए भर दें। अगर यस करते हैं तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब करा है वो भरना पड़ेगा। रजिस्टर उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन एनए कर रखा है मैंने, वही इस तरह का अगर पहले से तो रजिस्ट्रेशन नंबर, इसमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ रही। इसके बाद में आपको प्रेपर लेंडर यानी आपको किसी प्रकार के पार्टनर चाहते हैं तो उसको यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। नो करने के बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट पे बढ़े, नेक्स्ट पे पीछे चलते हैं। यहाँ अब जो हमने पहले पेज पे फॉर्म भरा था, कैंडिडेट की प्रोफाइल बनाई थी, उसके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं, जैसे आईडी प्रूफ टाइप आधार कार्ड। तो मैंने आधार कार्ड को यहाँ पर अपलोड किया। अपलोड करने के बाद में ये जो सबसे पहले अपने ध्यान रखना है कि आधार कार्ड एप्लीकेशन फोटो सिग्नेचर सबको हमें सिक्वेंस में, जैसे आधार कार्ड आईडी को 250 KB में स्कैन करके रखना है, आईडी प्रूफ को भी इसमें 250 KB में स्कैन करके पहले से रख लेना है, और एक फ़ोटो जो है 5 MB में साइज में स्कैन करके रखना है। उसको हमने यहाँ पर जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ अपलोड का ऑप्शन है, तो यहाँ अपलोड कर देना है, ये अपलोड हो जाएगा। उसके बाद में आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एड्रेस ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज यानी कि आपको एक प्रूफ देना, प्रूफ आईडी देनी पड़ेगी जहाँ पर आप बिजनेस करना चाहते हो, उसके प्रूफ आईडी को भी आपने 5 MB में स्कैन करके उसका JPEG फाइल, PNG फाइल या BPM फाइल, PDF फाइल को अपलोड करना है। यदि आपने
सेल टैक्स रिटर्न में कर रखा है, तो वो भी आपको अपलोड करना है। इन एब्सेंस ऑफ थर्ड पार्टी गारंटी नेट और स्टेटमेंट ऑफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर पार्टनर, ये अपने थर्ड पार्टी पर इसमें कुछ गारंटी के रूप में सिक्योरिटी भरनी है, वो अपने यहाँ पर भर देनी है और उसकी सिक्योरिटी का जो एग्रीमेंट होगा वो यहाँ अपलोड कर देना है। वो एग्रीमेंट को 5 MB में स्कैन करके अपलोड करना है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट लास्ट, यानी कि जब हम मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो हमें हमारे बैंक खाते का लास्ट 6 महीने का स्टेटमेंट अपलोड करना है। ये यहाँ से हम अपलोड करेंगे तो वो भी हमें 5 MB में अपलोड करना है और ये आवश्यक भी नहीं है। इसके बाद में ये भी आवश्यक नहीं, सेल्स अप टू द डेट ऑफ एप्लीकेशन के, ये भी आवश्यक नहीं है नए लोन के लिए। अब इसके बाद हम सीधे सीधे इनकी हमें आवश्यकता नहीं है नई, क्योंकि हम नए फ्रेशर हैं और हमें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। अब इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट के बाद में एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट में और जो है उस पर रखना होता है। एग्रीमेंट पे यहाँ पर हमें टिक करना है और इस पर एग्री कर देना है। एग्री पे क्लिक करते ही हमारा ये फॉर्म इस तरह से